क्लैट में सब बोलते हैं कि रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसा क्यों? और रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इन्हांस करने में न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा हेल्प कैसे करता है? ठीक है, देखो, इट्स नॉट जस्ट कि क्लैट के पर्सपेक्टिव से रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है. अगर आप लॉन्ग रन में आप देखो तो आप एक लॉयर बनना चाहते हो, और एक लॉयर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और पढ़ना क्या होता है कि भाई मुझे समझ में भी आनी चाहिए. सो इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन क्या है? मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आई एम एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इज रिटन. मैं समझ पा रहा हूँ, मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ. तो एक लॉयर के लिए जजमेंट्स, पास्ट जजमेंट्स, ऑर्डर्स, क्या कुछ हुआ था, वो सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसीलिए क्लैट ने भी ये स्किल टेस्ट करना शुरू किया बच्चों के लिए कि यार हम देखें कि कितने पढ़ने में कितने एफिशिएंट है, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं. सो ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर अ लॉ स्टूडेंट बट फॉर बिकमिंग अ गुड लॉयर. आपको काफी ज्यादा आपको आगे जाके पढ़ना पड़ेगा. जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, लाइक केस वन अंदर भारती केस, या सज्जन सिंह, या गोलकनाथ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बड़े लैंडमार्क केसेस हैं. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के ये केसेस हैं. ठीक है, ठीक है, आपको पूरे थाउजेंड पेजेस नहीं पढ़ने होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ कपल ऑफ हंड्रेड पेजेस तो पढ़ने पड़ेंगे. क्लैट का ओवरऑल पेपर ही जो होगा वो करीब 50 पेजेस का होगा, 50-60 पेज मैक्सिमम का होगा, 38-42-50 पेजेस का होगा. इतना तो आपसे एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, अगर आप कह रहे हो कि आप यू वांट टू गो टू अ टॉप लॉ स्कूल, तो इतना तो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत लेजिटिमेट है मेरे हिसाब से. तो पढ़ने की आदत डालना अभी से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अचानक से लॉ स्कूल में जाके आप बोलो कि मेरे को एक आ जाएगा कुछ ऐसा मैजिक वॉन्ड चल जाएगा कि आई विल स्टार्ट रीडिंग, तो नहीं होता है. इट्स अ हैबिट दैट इज ग्रेजुअली बिल्ट. सो राइट फ्रॉम योर 11th ग्रेड और फ्रॉम 12th ग्रेड यू शुड स्टार्ट रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग. अब न्यूज़पेपर कैसे इसमें हेल्प करता है? यार, न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू इम्प्रूव योर रीडिंग. आप कितनी महंगी महंगी किताबें खरीदोगे, लेकिन न्यूज़पेपर ₹3 से लेके ₹5 तक में आ जाता है डेली बेसिस पे. और आपको इतना कुछ मिलता है उसमें पढ़ने के लिए, जैसे आप अपनी रीडिंग और अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बेटर कर सकते हो. मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप न्यूज़पेपर से जीके पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी फिल्टर आउट करके इंटरनेट पे बहुत जगह पे बहुत कुछ मिल जा रहा है. आप उसको पढ़ो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मैं अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप कर सकूं, मैं अपनी रीडिंग को इंप्रूव कर सकूं, मैं अपने स्पीड को इंप्रूव कर सकूं. कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, आई थिंक एट अ स्टेज वेयर यू नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, आपके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है. वंस यू गो टू लॉ स्कूल, बीइंग अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन द नेशन, व्हाट आर पीपल राइटिंग, उनके ओपिनियन क्या है, वो आपके लिए वहां पे लॉ स्कूल में जाने के बाद फिर से न्यूज़पेपर पढ़ना जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. कोई नहीं होगा जो आपको लॉ स्कूल में जाके बोलेगा कि आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो. अरे, यू आर गोइंग टू बी अ लॉ स्टूडेंट, यू नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, यू नीड टू हैव ओपिनियन अबाउट इट. ओपिनियन कैसे फ्रेम करोगे जब तक आप पढ़ोगे ही नहीं? तो इसीलिए रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एज अ लॉ स्टूडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इफ एन एस्पिरेंट इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट कि आपके पेपर में इंग्लिश, क्रिटिकल एंड लीगल तीनों सेक्शंस जो है वो काफी रीडिंग सेंट्रिक है, एंड 350 टू 400 वर्ड्स के आर्टिकल्स आपको आएंगे ही आएंगे. तो आपको उतना पढ़ने का हैबिट होना चाहिए. एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे इज कि आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, मैगजीन्स पढ़ लो, कुछ ब्लॉग्स पढ़ लो, मतलब वेरीड एरियाज में पढ़ो. स्पोर्ट्स भी पढ़ो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ो, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ो, पॉलिटिक्स पढ़ो, साइंस एंड टेक पढ़ो, मतलब डिफरेंट जॉनरा ऑफ टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है.